नमस्कार दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अभी आज का प्रोग्राम। 9 बज गया, 9 तो बहुत पहले बज गया, तो फिर भी हमारा लेट हो गया, इसलिए थोड़ा समय चाहता हूँ। अच्छा, आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट दो एक रहेंगे, उनको पहले स्वागत करूंगा। नहीं, उससे पहले पाटिल साहब को स्वागत कर लेते हैं। पाटिल साहब, स्वागत है आपको चैनल पे। नमस्कार। जी, और शुभकांत कामत फ्रॉम दिल्ली, आपको भी स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। और हमारे साथ एक गेस्ट आया है, हमारा आदरणीय एन के रोज जी फ्रॉम नेक्स्ट डिजिटल मुंबई, और हमारा आदरणीय होस्टर यज्ञेश शर्मा जी, स्वागत है आपको भी। जी, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। बहुत सारे अभी वेटिंग कर रहे थे, और कल भी हम लोग कुछ अनाउंस किया था कि आज ये प्रोग्राम कुछ खास होने वाला है। आज का टोटल सारे दिन का जितना अपडेट है हमारे पास, ये हम लोग यहाँ पे मतलब थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं योगेश शर्मा जी को थोड़ा हैंडओवर कर देता हूँ। योगेश जी, स्टार्ट करिए। सभी को नमस्कार। मैं ऑडिबल हूं सबको? मेरी आवाज आ रही है? या बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। गुड। आज हम लोग कितना चौथे दिन पे खड़े हैं ना, डे 4। जी, क्या डे 4 है ऑपरेटर की। फोर डे फोर और 4 करोड़, हाँ, 4 दिन हो डे 4 रहे एंड और चार फोर्थ करोड़ हो, या पैसा या टीवी बंद, मान लीजिए कोई भी। तो ऑपरेटर के अंदर काफी इस समय घबराहट है। डीटीएच कंपनीज ने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एक्टिविटी शुरू कर दी है, तो अब हम कहीं न कहीं किसी एक निर्णायक मोड़ पे जल्दी ही पहुंच जाएं तो अच्छा होगा। साथ में ही जो हमारा केरला हाई कोर्ट था, उसने भी अभी बात सुनी रहा है। मेरे ख्याल कल शायद कोई कैलकटा हाई कोर्ट में भी कोई एक पिटीशन लगी है जिस पर कुछ बातचीत होनी है, पर अभी क्या करें कि कैसे करें इस पर थोड़ा शुभकांत जी से बात करते हैं। शुभकांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज कोर्ट के अंदर हुआ है कि ये एक्चुअल में केस ही अलग तरीके का है। केरला हाई कोर्ट के अंदर केस ये नहीं डाला गया है कि भाई हमारा नेटवर्क बंद कर दिया या हमें नोटिस नहीं दिया या कोई इस तरह की कोई चीज़ें हैं। केरला हाई कोर्ट में सीधा सीधा चैलेंज है NTO 3 को, कि जो NTO 3 के अंदर प्रावधान किए गए हैं वो अनुकूल नहीं है हमारे देश की जनता के, या हमारे केबल ऑपरेटर या MSO के हित में ये नहीं है। तो इस तरह का वो केस है, इसलिए उस पे हमारे इस चैनल का ऑन ऑफ का कोई मतलब नहीं है कि भाई हमारे चैनल बंद है। उन्होंने अपना सिस्टम बंद कर दिया कि भाई आपका एग्रीमेंट हमारे साथ नहीं है, वो एक अलग पार्ट है। उसके ऊपर अभी तक किसी ने एप्लीकेशन लगाई भी नहीं है मेरे ख्याल से, कि भाई जो हमारा नेटवर्क बंद किया गया है उसके राइट ये हैं और उसके अंदर हमको इस तरह से बंद कर दिया गया है, या हमारे जनता को इतना माइनस में डाल रहे हैं, या उनका पैसा भी ले लिया, उनका चैनल भी नहीं दिखा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मेन न्यूज़ है ये कि वहाँ पे केस ही अलग तरीके का है। तो अब देखिए, कल की डेट मिली है, कल क्या होता है, जो भी हाई कोर्ट डिसीजन लेगा। लेकिन मेरा एक अनुमान है या मेरा एक मानना है कि वहाँ पर जो भी एप्लीकेशन करता है हमारे जैसे सिंघवी साहब हैं, तो उनको एक एप्लीकेशन वहाँ लगानी चाहिए कि हमारा पूरा हिंदुस्तान का करीब 4 साढ़े 4 करोड़ जो जनता है के ऑपरेटर ग्राहक है वो बंद है, और वो इस टाइम बहुत बड़ी समस्याओं के साथ में ऑपरेटर भी परेशान है। तो कम से कम और जो कोर्ट है वो उनको ऑर्डर दे कि हम ऑलरेडी एक सुनवाई पे बैठे हुए हैं, इन्वॉल्व हैं कोर्ट के अंदर, तो जब तक जनता परेशान ना हो और उसको वो सारे सिग्नल ऑन कर दिए जाए। मेरा ये मानना है कि ऐसा हमको वहाँ पे उनको बोलना चाहिए ताकि वहाँ से ये ऑर्डर मिल जाए। धन्यवाद। जी, कामत साहब, ऐसा ये अगर NTO 3 चैलेंज हो जाता है और कोर्ट उसको समझती है कि वो अल्ट्रा वायरस है या उसको स्ट्रे कर देता है, तो ये सारा मामला ही ठंडा पड़ जाएगा। तो अगर ऐसा होता जी है तो जो कि जी जी कोर्ट के निर्णय पे और जो पिटीशन है और जो उन्होंने उसकी कमियां निकाली हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, यस, इसमें समय नेगोशिएट करने का बहुत कम दिया गया, तुरंत ही बंद कर दिए गए। हमें कम से कम 90 दिन का समय मिलना चाहिए ताकि एक एक कस्टमर से आपको जाके बढ़े हुए रेट को एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, जो कि आसान काम नहीं है। ऑपरेटर के लेवल पर जी नीचे जाके बिल्कुल उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो अपने पैकेजेस चुनेगा। एक बार रीपैकेजिंग हो रही है, जैसे NTO 1 में हुई थी, द ग्रेट NTO 1 में जो करा था इन्होंने, तो उतना समय तो इनको देना चाहिए कि एटलीस्ट थोड़ा समय दे कि ऑपरेटर जाके कस्टमर
कस्टमर से पूछे तो कि तुम इतने रुपए में स्टार प्लस देखोगे या नहीं देखोगे, और डोर टू डोर जाना राइट पड़ेगा। और एक एक घर में कई कई डिसीजन अथॉरिटीज होती हैं, कई एक ही घर में चार चार वॉइसेस होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यस आई एग्री, समय बहुत कम दिया गया है, उसके लिए समय मांगना चाहिए कि हमको समय दिया जाए और एक बफरिंग पीरियड हो दोनों के बीच का, एनटीओ के जो जो आगे हम बढ़ रहे हैं उसके लिए। अभी तो हमारे मेरे ख्याल साथ, से जी, बोलिए। मिस्टर एनके रूस जो है वो AIDCF जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की जो संगठन है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोर्ट में भी वो अपनी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये हम जानना चाहेंगे और सारे केबल भाई जो है अभी जो देख रहे हैं और जो देखेंगे वो जानना चाहेंगे कि असली वजह क्या है ये ब्लैकआउट की, ये लड़ाई हमारी किस तरह से हो रही है और अगर ये लड़ाई थोड़ी आगे खींचती है तो नेक्स्ट डिजिटल हमारे केबल भाइयों के लिए क्या रिलीफ उनके लेवल पे देना चाहता है या उन्होंने क्या प्लान किया है। तो ओवर टू मिस्टर एनके रुश जी। नमस्कार। तो पहले तो राजू भाई, आपको और जो भी ये जो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को ये प्रोग्राम पे आप लोग ने इनवाइट किया है, थैंक्स फॉर दैट। सेकंडली, मैं AIDCF का हम लोग मेंबर हैं और एज अ मेंबर आई वी वी आई वुड लाइक टू प्रेजेंट AIDCF हियर, ठीक है। तो पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर लूँ, शुभकांत जी जो बोल रहे थे उसमें थोड़ा सा एक सही नहीं है। दो केसेस फाइल हुए हैं केरला हाई कोर्ट में, ठीक है। एक है जो फर्स्ट पिटीशन जो फाइल हुआ था, दैट वाज चैलेंजिंग NTO 3.0, ओके। और सम ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो उसको NTO 2.1 बोलते हैं, तो कुछ ब्रॉडकास्टर्स इसको NTO 3.0 बोलते हैं। तो हम लोग ने जो फर्स्ट पिटिशन जो मूव किया था, अगर आप लोग को याद होगा, फर्स्ट हियरिंग था 8th ऑफ फरवरी को, ठीक है। 8th ऑफ फरवरी को जो फर्स्ट हियरिंग जो हुआ था, दैट वाज चैलेंजिंग NTO 3.0, ओके। अब वो उस दिन हियरिंग के बाद चला गया था, नेक्स्ट डेट जो था वो 22nd फरवरी का डेट दिया है, तो वो एक मैटर है। दूसरा, हम लोग ने जैसे ही हम लोग को ब्रॉडकास्टर्स ने 48 आवर्स का नोटिस दिया था, और 48 आवर्स नोटिस के बाद लास्ट वीक फ्राइडे को जैसे बंद किया था, तो वी मूव्ड अनदर पिटीशन विच इज कॉल्ड एन IA पिटीशन और एन इंटरिम एप्लीकेशन, एंड उसको आजकल सुनवाई जो हो रही है कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट में, तो उसका इंटरिम एप्लीकेशन का हियरिंग चालू है आज के तारीख में, ठीक है। और ये इंटरिम एप्लीकेशन किसके लिए है? ये इंटरिम एप्लीकेशन है टू चैलेंज दी डीएक्टिवेशन ऑफ दी ब्रॉडकास्टर्स, जो ब्रॉडकास्टर्स ने हमको स्विच ऑफ किया है उसको चैलेंज करते हुए हम लोग ने इंटरम एप्लीकेशन मूव किया है। तो आज उसका सेकेंड डे ऑफ हियरिंग था इंटरम एप्लीकेशन का, ठीक है। थर्ड, इनफैक्ट टू बी करेक्ट इट इज थर्ड, क्योंकि फ्राइडे को ही मेरे ख्याल से फर्स्ट हियरिंग था, और उसके बाद हम लोग ने कोर्ट को जब पूछा कि ब्रॉडकास्टर्स अगर हमको स्विच ऑफ करेंगे तो आप कुछ हेल्प करोगे कि नहीं, क्योंकि हम लोग ने ट्राई किया था कि भाई हमको स्विच ऑफ नहीं होवे, पर कोर्ट ने तभी एक आश्वासन वर्बली दिया था कि अगर स्विच ऑफ करेंगे तो हम, कोर्ट को तो पावर है रिवर्स करने का करके, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली मंडे को जब हियरिंग में आया तो कोर्ट ने बोला कि पूरा सुनवाई दिए बिना हम लोग कुछ डिसीजन ले नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट डे सुनवाई हुआ, आज सेकेंड डे था, सेकेंड डे को भी आज पूरा कंप्लीट हम लोग का जो आर्गुमेंट्स है वो कंप्लीट हो गया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ AIDCF पूरा हियरिंग आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो गया है। और आज ट्राई का एडवोकेट ने अपना आर्गुमेंट्स डालना स्टार्ट कर दिया है। अब कल जो है वापस, कल में ये सेम इंटरम एप्लीकेशन का सुनवाई कल होगा 3:30 बजे को, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली पहले ट्राई का एडवोकेट अपना पूरा आर्गुमेंट्स करेंगे, उसके बाद स्टार इंडिया की तरफ से होगा। बाकी ब्रॉडकास्टर्स के कल होंगे कि नहीं मालूम नहीं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लग रहा है कि कल कुछ फेवरेबली ऑर्डर आएगा,
ऐसे बोल नहीं सकते, इट्स लाइक 50-50 चांसेस ऑफ गेटिंग एन ऑर्डर टुमारो, इट मे बी फेवरेबल और इट मे नॉट बी फेवरेबल, वी डोंट नो हाउ इट विल गो, बट फॉर श्योर वन थिंग इज दैट कि टुमारो द हियरिंग इज देयर एंड ही वॉन्ट्स टू कम्प्लीट द हियरिंग, द जज वॉज क्लियर दैट कि आई वॉन्ट टू कम्प्लीट द हियरिंग, तो लेट्स होप कि कल का हियरिंग में कम्प्लीट हो जाए फ्रॉम द साइड ऑफ ट्राई एज वेल एज फ्रॉम दैट ऑफ ब्रॉडकास्टर्स. अगर वो कम्प्लीट हो गया कल में और टाइम बच गया उनके पास जज के पास, तो वो कुछ एक इंटरिम ऑर्डर दे सकता है, चांसेस है बट वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, ओनली टाइम विल टेल अस, क्योंकि 3:30 बजे बोलेगा बाई इटसेल्फ बहुत लेट हो गया, आधा घंटा के लेट ऑलरेडी हो गया, और हम लास्ट दो हियरिंग में मैं देख रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं भी फुल टाइम हियरिंग सुन रहा हूँ, तो मेरे को मालूम पड़ता है कि जजेस का एक लिमिटेड टाइम रहता है, उसके बाद उनका ऑलरेडी स्केड्यूल्ड मीटिंग्स रहते हैं, तो उसमें उनको जाना पड़ता है. तो कल का जो है हियरिंग मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स सी कि कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ एक इंटरिम ऑर्डर आ सकता है. तो अब मैटर ये सब क्यों है उसके ऊपर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, क्या एग्जैक्टली क्या इशू क्या है, क्यों AIDCF क्यों कोर्ट में गया है और NTO 3.0 के खिलाफ. ठीक है, तो जैसे ही पहले जो NTO 1.0 जब निकला था तो काफी ट्राई ने काफी इसके ऊपर समर्थन किया था कि NTO 1.0 जो है इट्स बेसिकली फॉर कंज्यूमर्स और फॉर कस्टमर चॉइस. ठीक है, तो NTO 1.0 के ऊपर पूरा जो जो स्ट्रेस था, आई मीन व्हाट दे वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ NTO 1.0 वाज फॉर कंज्यूमर चॉइस और फॉर कस्टमर चॉइस, राइट. और मेरे ख्याल से कुछ हद तक ट्राई उसमें सक्सीड भी हुए कंज्यूमर चॉइस के ऊपर, क्योंकि आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तब काफी ऑपरेटर कंज्यूमर्स जो हैं अलग अलग टाइप के पैक्स चूज किए हैं, अलग टाइप के अला कार्ट चूज किए हैं, और कोई कोई कंज्यूमर्स जो हैं अपन को छोड़ के दूसरा प्लेटफॉर्म में भी गए हैं. सो दिस आर ऑल पार्ट ऑफ देयर कस्टमर चॉइस या कंज्यूमर चॉइस, वी कांट ब्लेम एनीबडी फॉर दैट. ओके, अब जो है NTO 1.0 हो गया और ट्राई ने क्या किया, NTO 1.0 में जो भी उनको गैप्स लगे थे वो गैप्स को टाइटन करने के लिए उन लोग ने NTO 2.0 लेके आए. NTO 2.0 लेके आए तो लोग ने क्या किया, लोग उसमें बोले कि यार प्राइस जो है इंस्टेड ऑफ 19 रुपीज 12 रुपीज रखना पड़ेगा ब्रॉडकास्टर्स को, और 12 रुपीज के अगर ऊपर कोई भी अगर चैनल का रेट रहेगा तो वो बुके में नहीं आ सकता है. और लोग ने दूसरा एक और पॉइंट डाला कि ट्विन कंडीशन बोल के, ट्विन कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन डेफिनेटली वाज दैट कि भाई 12 रुपीज के ऊपर है तो ऊपर है तो तुम बुके में नहीं आ सकते हो, और दूसरा क्या है कि अगर 10 चैनल का पैक बनाता है ब्रॉडकास्टर और हर चैनल का अगर 10 रुपये है, अगर टोटल सम ऑफ अलाकार्ड्स अगर 100 रुपये है तो 30 रुपीज कुछ ही होना चाहिए एज ए बुके प्राइस. अब उसको चैलेंज करते हुए ब्रॉडकास्टर्स भागे केरला हाईकोर्ट और लोग ने उसमें स्टे उनको मिल गया, और उसमें उनका अच्छा एक पॉइंट था कि ट्विन कंडीशन में ये लागू कर नहीं सकते, इम्प्लीमेंट ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे सब बता के लोग ने एक स्टे ले लिया और काफी टाइम से वो केसेस चल रहा है. अब ट्राई ने क्या किया, ब्रॉडकास्टर्स को बुला के मीटिंग किया और बोले कि यार वी विल review this entire NTO 2.0 and we will rework on the entire regulations, and that's how they bola ki bhai theek hai ab aap log jo hai NTO 2.0 ke hisab se pehle aap rates nikal lo, uske baad hum log rework karte hain. To broadcasters ne kya kiya, try ko darane ke liye aur try ko ye batane ke liye ki consumers ke liye hum log difficult kar denge, ye batane ke liye log ne kya kar diya, log ne rates ekdam bada ke नया रेट कार्ड लेके आ गया ब्रॉडकास्ट. सब लोग ब्रॉडकास्टर्स मिलजुल के लोग ने डिसाइड किया कि वी विल मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. ठीक है, तो कंज्यूमर्स का एकदम नया रेट कार्ड लेके आ गया और बोले कि कुछ भी चैनल्स अलग अलग सब अलग कार्ड्स में जाने दो, और सबका रेट्स जो है 19 रुपये 21 रुपये 23 रुपये सब कर दिए. तो ट्राई इसमें परेशान हो गया, ट्राई ने बोला कि यार हम लोग ट्राई कर रहे थे रेट कम करने के लिए, पर ब्रॉडकास्टर्स ने क्या कर दिया, रेट्स को दुगना तिगना कर दिया. तो फिर वापस ट्राई बुलाए ब्रॉडकास्टर्स को, सब मीटिंग किया, और तभी तक हमारे चेयरमैन साहब भी नए आ गए. चेयरमैन ने बोला कि चलो मैं नए तरीके से स्टार्ट करूंगा काम, आप पहले क्या करो, आप ये केस को विड्रॉ करिए. तो ब्रॉडकास्टर्स बोले कि भाई नहीं, हम आपको भरोसा कैसे करें. तो ट्राई ने बोला कि नहीं, हम जवान दे रहे हैं, आप केस विड्रॉ करो, हम न्यू
कंसल्टेंट ये ओपन हाउसेस लेके आएंगे, न्यू कंसल्टेशन पेपर लेके आएंगे सब। अकॉर्डिंगली ब्रॉडकास्टर्स ने क्या किया, वो केस को विड्रॉ कर लिया और नया कंसल्टेशन लेके आए। नया कंसल्टेशन में ये कंप्लीटली जो है, नया कंसल्टेशन में क्या क्या हुआ है, ये कंप्लीटली चेंज हो गया और ब्रॉडकास्टर्स को एक फ्रीडम मिल गया कि कंप्लीट बुककेस को जो है उसका कंपोजिशन चेंज करने के लिए और उसका जो प्राइसिंग जो है बुके का प्राइसिंग चेंज करने के लिए सब उनको नया रेगुलेशन में उनको एक फ्री हैंड मिल गया। अब ट्राई ने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रॉडकास्टर्स इतना रेट्स बढ़ा देंगे करके। अला कार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो जो 10 पैसे वाला चैनल था वो 10 रुपए भी पहुंच गया है कहीं कहीं। तो ऐसा एक रेट कार्ड जो वो लोग लेके आए हैं वो कंप्लीटली उन लोग ने मिनिमम जो है, मैं बता रहा हूँ कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25% टू एनीवेयर बिटवीन सम 700-800-900% ग्रोथ है इसमें, जो एग्रीमेंट इन द फॉर्मेट। और उन लोग ने दूसरा एक और पॉइंट इसमें एग्रीमेंट में लिखे है, एक तो रेट्स बढ़ा दिया और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया है कि पेनिट्रेशन का जो एक जो टारगेट होता था जो एमएसओ के देते थे पेनिट्रेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर एक चैनल जो है उसका पेनिट्रेशन लेवल 75% तक अगर है तो वो लोग हम लोग को इंसेंटिव देते हैं। अगर 75% के नीचे रहेगा तो हमको इंसेंटिव मिलता नहीं है, तो काफी जन का हमको इंसेंटिव मिलता ही नहीं है। मैं नेक्स्ट डिजिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर तुमको इंसेंटिव चाहिए तो 75% के ऊपर पेनिट्रेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में अगर दिल्ली का ले लो, दिल्ली में अगर बोलेंगे कि भाई हमको स्टार प्लस को मिनिमम 75% चाहिए, यानी कि 100 जन को तुम जब बांटते हो, तुम्हारा बुकेस बांटते हो, तो 75 पीपल शुड टेक स्टार प्लस। ओके, द सेम थिंग, अगर वो सेम लॉ अप्लाई हो जाता है चेन्नई के लिए। चेन्नई में अगर 100 पब्लिक है और 100 में वो बोलेंगे कि भाई यहाँ पे अगर स्टार प्लस चाहिए बोलेंगे तो अपन दे नहीं पाएंगे, राइट। पर सभी के लिए अलग अलग मार्केट्स के लिए अलग अलग चैनल्स हैं और अलग पेनिट्रेशन का, बट पेनिट्रेशन परसेंटेज का टारगेट 75% था एज पर एनटीओ 1.0। बट जैसे ये लोग ने एनटीओ 3.0 जो अभी आया है इसमें ये लोग ने परसेंटेज जो पेनिट्रेशन परसेंटेज जो है दे हैव टेकन फ्रॉम 90% to 95%। ये कंप्लीटली जो है अनइम्प्लीमेंटेबल हो गया है। 90% 95% होता नहीं है, पेनिट्रेशन परसेंटेजेस होता नहीं है। तो हम लोग के लिए दो प्रॉब्लम था हमारे लिए, एक तो प्राइस हाइक करना और दूसरा जो है पेनिट्रेशन का परसेंटेज को हाइक करना। ये दोनों हमारे लिए कंप्लीट हमारे अगेंस्ट में था। और हमने ट्राई को भी बोला कि ट्राई जो है किसका कस्टोडियन है, ट्राई किसका कस्टोडियन है, कंज्यूमर्स का कस्टोडियन है। ट्राई ने ऐसा एक रियो एग्रीमेंट क्यों एक्सेप्ट किया, उनको पहले ही जैसे रियो एग्रीमेंट्स बाहर आ गए थे तो ट्राई उनको बुला के बताना चाहिए था ब्रॉडकास्टर्स को, तुम लोग ने सब लोग ने ये गलत काम किया। बट अनफॉर्चुनेटली क्या किया है, ट्राई ने ब्रॉडकास्टर्स को सपोर्ट किया। हमारा पूरा फाइट जो है इसको लेके है कि ट्राई इज अ कस्टोडियन ऑफ कंज्यूमर्स, दे शुड हैव फॉट विद द ब्रॉडकास्टर्स कि भाई यार, वन, यू कैन नॉट हाइक द रेट्स एट दिस लेवल, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, यू कैन नॉट पुट पेनिट्रेशन परसेंटेजेस ऑफ 90% 95%। ओके, तो ये सब ये एग्रीमेंट्स जो है, नॉर्मली एग्रीमेंट्स ये इसके मुताबिक कोई ब्रॉडकास्टर बिल करता भी नहीं है। तो हमने ब्रॉडकास्ट सब एमएसओस को ब्रॉडकास्टर्स को बुला के बोला कि यार एग्रीमेंट को साइड पे रखो, आप जो है अब हमारा जो डील है उसको क्लोज करिए। आपको क्या चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए? सब लोग बोले हमको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए। मैं सभी ब्रॉडकास्टर्स को पर्सनली मिला हूं और सबको बोलता था कि देखो आज के तारीख में विथ जीरो परसेंट ग्रोथ आज केबल टीवी प्लस हिट्स प्लस डीटीएच इनका जो पेड सब्सक्राइबर्स है मंथ ऑन मंथ सबका गिरते जा रहा है। ये ट्रेंड जो है आज एनटीओ 1.0 से आप देखो, एनटीओ 1.0 में सबका जो 100 सब्स था वो गिर के 75 हो गया, फिर कोविड की देन से फिर वापस एक 20-25 और गिरा, कोविड 1.0 हुआ, कोविड 2.0 हुआ। तो आज के तारीख में जो ऑपरेटर भाई का जिसका 100 पॉइंट्स होता था, नाउ इट इज कम डाउन टू एनीवेयर बिटवीन 40 and 50 सब्स। ये एनटीओ बोलो या कोविड 1.0 बोलो, कोविड 2.0 और इसके सबके देन से ये गिर गया। अब मैंने बोला कि यार ये नंबर्स अभी भी गिरते ही जा रहे हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जा रहे हैं। ऐसा टाइम पे देर इज नो नीड टू वन फॉर अ रेगुलेशन एट द फर्स्ट प्लेस, सेकेंड देर इज नो नीड टू हाइक द प्राइस टू दिस लेवल। ब्रॉडकास्टर्स का
दो प्लेटफॉर्म है, एक है लीनियर प्लेटफॉर्म और दूसरा है डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब इनके खुद के जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर तुम रेट नहीं बढ़ा रहे हो, वहां पे तुम कुछ भी अलग एक प्रोडक्ट बना के सस्ते में बेचते हो या किसी को मिनिमम गारंटी में बेचते हो, तो ये सब तुम्हारे प्लेटफॉर्म में तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि वहां पे रेगुलेशन है ही नहीं। लीनियर प्लेटफॉर्म जो है ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड है, लीनियर प्लेटफॉर्म में नंबर्स गिरते जा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म में जाके तुम क्यों मरवा रहे हैं? हम लोग ऑलरेडी इट्स लाइक ए कैंसर इन द थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज, तुम उसको जाके तुम रेगुलेटर जाके उसके ऊपर साला कीमो दे रहे हो, रेडियो थेरेपी करवा रहे हो, मरवा रहे हो लीनियर को। ठीक है, तो मेरा कहना ये था ब्रॉडकास्टर्स को, तुमको अगर प्राइस हाइक करना है तो एक नॉमिनल कुछ करो ताकि हम लोग बेयर कर सके। ठीक है, हमको भी समझ में आता है कि तुम लोग को प्राइस हाइक चाहिए, बट कीप इट रीजनेबल। अगर रीजनेबल करेंगे तो हम लोग सब बैठेंगे और रिजॉल्व हो जाएगा। ब्रॉडकास्टर से अटक के बैठ गए, बोले कि भाई यार वी वॉन्ट, पहले 45% कुछ भी बोलते थे, फिर जाके जब उनके ऑफिस में जाके मीटिंग स्टार्ट किए तो दे केम डाउन अप टू 20-25%। ठीक है, कुछ कुछ ब्रॉडकास्टर्स ने बिटवीन 10% एंड 20% तक पहुंच गए, सर्टन ब्रॉडकास्टर्स अटक के बैठ गए नहीं 25% चाहिए। देन वी हैड ऑल्सो नो चॉइस बट टू फाइट इट आउट। ओके, कहीं कहीं छोटे ऑपरेटर्स हैं, छोटे एमएसओज हैं, उनका एक अलग एक फॉर्मेट में उनका डील्स होते हैं जिसको हम फिक्स फी बोलते हैं। ठीक है, करिए, नो प्रॉब्लम, फिक्स फी करो या जो भी करते हो, एक प्रोफेशनल अप्रोच भी होना चाहिए ब्रॉडकास्टर्स को कि भाई एक पैरिटी में काम करिए, नॉट अ प्रॉब्लम। किसी का अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो उनको थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वी ऑल अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस जो है डिफिकल्ट बिजनेस है और इसमें एक जैसा लेके आना भी मुश्किल है, वो सब हम लोग सब समझते हैं। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं कि यार किसी को तुम कुछ अलग रेट दे दिया, किसी को अलग टाइप का मॉडल बना दिया। तो हम लोग इसके सब खिलाफ थे और हम लोग कोई एक प्लेटफॉर्म के साथ मिले जुले नहीं है, क्योंकि काफी जन का एक सोच विचार है कि हम लोग जियो के साथ मिल जुल करके कुछ कुछ स्ट्रेटेजी बन रहा है, वो सब काफी कुछ, मेरे को काफी टाइप के कॉल्स आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट अ कॉमन कॉज। आज ब्रॉडकास्टर्स एक साथ आए, उनका भी एक कॉमन कॉज है, उनका कहना यह है कि तुम पहले एग्रीमेंट साइन करो। ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सच डिसीजन ऑफ ब्रॉडकास्टर्स। हाँ ठीक है, वो उनका पॉइंट है कि उनको चाहिए हम एग्रीमेंट साइन करें। हम चाहते हैं कि भाई तुम हमको पहले डील दे दो, आप हमको डील दे दें, एक रीजनेबल प्राइस है तो जो नॉमिनल है, जो पब्लिक बेयर कर सकती हो, जो एलसीओ भाई लोग बेयर कर सकते हैं वो, और उसके ऊपर जो है हम लोग बोले कि भाई डील दे दो, हम लोग बैठ के साइन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट कम फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर्स एंड देन वी वर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू गो टू द कोर्ट्स फॉर अ जस्टिफाइड रेट। तो ये है मेन प्रॉब्लम, यही है कि एक है, वन इज एग्रीमेंट इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट टू साइन, ब्लैंक एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते विदाउट अ डील। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि भाई वी आर अगेंस्ट द पेनिट्रेशन परसेंटेजेस व्हाट्स मेंशन देयर, क्योंकि पेनिट्रेशन परसेंटेज इतना ज्यादा कर दिया है कि तुमने एक्चुअली कस्टमर चॉइस खत्म ही कर दिया है। देयर इज नाउ द कस्टमर्स कांट आस्क फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अ अलाकार्ट चैनल्स। अगर अलाकार्ट में सब चले जाएंगे तो पेनिट्रेशन मिलेगा नहीं, तो एमएसओ जबरदस्ती क्या करेगा, अपना बुके बेचना ही पड़ेगा। सो दिस आर द मेन इश्यूज व्हाई वी आर इन कोर्ट्स टुडे। ओके, बाकी कुछ भी अगर किसी को, अगर अपना ऑपरेटर फाइलों को कोई डाउट रहेगा तो दे कैन ऑलवेज राइट टू अस, वी विल क्लेरिफाई दैट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा बचा है, आपको ने पूछा था कि इन हालातों में जब तक आपकी कोर्ट की फाइल चालू है 4 दिन 5 दिन और हमारे ग्राहक जो जा रहे हैं डीटीएच के पास या ओटीटी में, तो उनको बचाने के लिए आपने कुछ स्कीम वर्कआउट की है या आपने के पास क्या सोचा है कि केबल ऑपरेटर को क्या राहत दी जाएगी एमएसओ की तरफ से या एडीसीए की तरफ से? सो एडीसीएफ ने आज भी मीटिंग किया हुआ है, ट्राई चेयरमैन से भी बातचीत चालू है। हो सकता है कि मोस्ट प्रोबली देयर कुड बी ए पॉसिबल टुमारो या डे आफ्टर टुमारो पॉसिबल मीटिंग्स के लिए बुलाएंगे। ट्राई चेयरमैन भी चाहते हैं कि भाई इसमें से बाहर आ जाए, क्योंकि काफी एलिगेशन उनके ऊपर भी आ रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट के ऊपर आ रहे हैं, तो वो भी चाहते नहीं है कि भाई कि ऐसा सब होवे। तो वो भी एक प्रयास, उनका भी प्रयास चालू है ट्राई का भी।
और हम लोग ने भी आज एक प्रस्ताव रखा हुआ है ट्राई के साथ कि भाई आप पहले सिग्नल्स जो है रिज्यूम करो, उसके बाद हम मीटिंग के लिए बैठते हैं करके हमने भी एक प्रस्ताव रखा हुआ है, लेट्स सी क्या होता है करके। इन द मीन वाइल सब जो कंपनियां जिसने जिसके चैनल्स बंद हुए हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने हमको बंद किया, हमने तो बंद नहीं किया, तो जो जिसका चालू है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया कास्ट के चैनल्स पूरे चालू है, बाकी पे चैनल्स जैसे डिस्कवरी टाइम्स बोलो या एपिक बोलो या NDTV बोलो, BBC बोलो, तो इनका सबका एक एक सेपरेट बुक है एट अ वेरी इफेक्टिव प्राइस, विद अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस फॉर द कंज्यूमर्स बन रहा है। नेक्स्ट डिजिटल विल लॉन्च इट टुमारो, कल सुबह को हमारा पैक्स रेडी हो जाएंगे एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस बोथ फॉर स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड फॉर हाई डेफिनेशन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन विल बी 99 रुपीज एंड हाई डेफिनेशन वुड बी अराउंड 125 रुपीज, दैट्स फॉर द our LCOs, and consumer price we will declare it, and normally hum log consumer next digital consumer price ko publicize karti nahi hai taki operator bhai log ko agar kuch margin rakhna hai to we hum log ek indication de dete hain ki maximum price aap yahan tak leke ja sakte hain, baki hum log operator bhai log ko wo chhoot de dete hain ki bhai unko jo charge karna hai fir wo charge kar lenge, so this we will be launching tomorrow. Further broadcasters ke sath mera baat chit chalu rehta hai, कल भी मैं मिलने वाला हूँ, कल एक्चुअली मेरे को दिल्ली जाना था तो अनफॉर्चुनेटली वो दिल्ली का मीटिंग पोस्टपोन हो गया है, तो कल मैं मिलूंगा कुछ ब्रॉडकास्टर्स भाई लोगों को मिलूंगा, तो ट्राई करते रहना है कि सोल्यूशन कैसे बन सकती है, और हमारा पूरा मकसद यही है कि कुछ एक रेजोल्यूशन बने और धंधा आगे बढ़ाना है अपन को, ऑपरेटर्स भाई लोगों को तकलीफ कम आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ऑपरेटर भाई लोग हैं अगर हमको पूरा मिला के अगर हमारा 10,000 कुछ LCOs होंगे जो LCOs एंड सब LCOs मिला के, ठीक है, तो हम लोग को 10,000 कॉल्स अटेंड करना होगा, बट LCO भाई लोग को सब लोग को मिला के करीबन 30-35 लाख कस्टमर्स के कॉल्स अटेंड करने हैं, तो वो हम समझते हैं और हमारा यही रहेगा, इंटरेस्ट यही रहेगा टू रिजॉल्व दिस मैटर एज अर्ली एज पॉसिबल। तो क्या हम आश्वस्त हैं कल से हमारे जितने भी नेक्स्ट डिजिटल के LMOs हैं वो कल से उन्हें जो HD वर्जन जो है वो 99 रुपीस में मिलेगा, और स्टैंडर्ड डेफिनेशन 99 रुपीस में और हाई डेफिनेशन एट 125 रुपीस, वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस टुमारो, या ये लाइव पे हम आश्वस्त कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट? यस यस व्हाई नॉट, हां जी हां जी हां जी फॉर श्योर। आपके आपके एसोसिएशन में जो बाकी के जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर है उन्होंने क्या सोचा है उसके बारे में, कुछ आपको आइडिया है? देखो सब लोग नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है, बट मेरे को मालूम है कि सभी जो MSOs हैं इसमें ADCF में अपने अपने स्टेट्स में और अपने रीजन्स के लिए डेफिनेटली वो लोग ने भी कुछ प्लान किया हुआ है, वो भी अपने अपने लॉन्च करेंगे करके हमको आइडिया है उसके ऊपर, और हम भी मिलेंगे, हम लोग कल वापस हम लोग का मीटिंग है, तो हम लोग डेली हम लोग सुबह को दोपहर को सब मीटिंग चालू रहता है जस्ट टू सी इफ वी कैन रिजॉल्व द मैटर, और मैं हर शाम को 6 बजे को मैं भी हमारे जो ऑपरेटर भाई लोग जो मुंबई के हैं उनको मिलता भी हूँ और उनके साथ भी VC करता हूँ और उनको भी आश्वासन देता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है सब लोग काफी स्ट्रेस्ड हैं इसको लेके, और प्रयास जारी रहता है कि इसका एक सोल्यूशन बन जाए। दूसरी एक कंप्लेंट है बहुत लोगों से कि आपकी जो एसोसिएशन है, चलो मैं मान लेता हूँ कि जो प्राइवेट MSO से जो इंडिपेंडेंट MSO से उनके यहाँ पे चालू है तो उनके लिए कोई डील मिलती है, लेकिन सिटी केबल जो पहले से चालू है उसके पास सारे चैनल, और दूसरा UCN की आज न्यूज है कि UCN के ऊपर सारे चैनल चालू हुए, तो ये दोनों चीज की वजह क्या है, सिटी केबल की और UCN की, वो हम जानना चाहेंगे। तो ADCF में काफी मेंबर्स हैं जो पहले से लोगों ने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, ठीक है, उसमें सिटी केबल उसने बहुत पहले ही साइन किया होता है सिटी केबल ने, और UCN का मेरे को एक्चुअली आज शाम को खबर मिला है कि UCN ने साइन किया है करके, मेरे को एग्जैक्टली मेरा UCN को मैंने फोन किया हम और मेरे को इनफैक्ट जवाब मिला नहीं है, पर अगर मार्केट बोल रही है तो साइन किया होगा, मेरे को कल मालूम पड़ेगा अगर, और हम लोग ने किसी को देखो हम लोग ADCF में हम लोग हर टाइम बोलते हैं कि किसी को भी अगर साइन करना है तो प्लीज गो हेड एंड साइन, हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि भाई डोंट साइन करके हम लोग नहीं बोल रहे, ठीक है, कोई कोई MSOs को तकलीफ रहेगा, कुछ अगर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में रहेगा
तो वी आर टेलिंग देम यू कैन गो अहेड एंड साइन. वी आर नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी टू सेइंग दैट कि भाई नहीं नहीं यू डोंट साइन और यू वी विल टेक यू आउट ऑफ द मेंबरशिप. नहीं, नथिंग लाइक दैट. इफ समबडी इज सीरियसली इन ट्रबल एंड इफ दे वांट टू साइन अप वी आर ओके विद इट एंड दे कैन गो अहेड एंड साइन. तो अगर जीसीएन ने साइन किया हो दैट मे बी. अगर सर ऐसी बात होती है तो आपका कलेक्टिव डिसीजन कैसे आएगा? अगर आपकी एक एसोसिएशन है तो एसोसिएशन में जो भी डिसीजन होना है वो कलेक्टिव होना चाहिए. जैसे हम केवल असंगठनाएं है जो हम डिसीजन लेते हैं, हमारा वो हमारा कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं कि हमको ये करना है तो सबको मिलकर करना है. तो ये कॉज है, मतलब एक इशू है आपके लिए कि आपकी इतनी बड़ी एसोसिएशन है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की, वो अगर कलेक्टिव एक साथ एक डिसीजन लेते थे तो क्या आपको लगता नहीं है कि ब्रॉडकास्ट के ऊपर इससे ज्यादा फर्क पड़ता था या उनको ज्यादा दबाव आता था? नहीं राजू भाई, आप सही हैं कि अगर साथ में रह सकते हैं और अगर साथ में कलेक्टिवली इफ एवरीबॉडी कैन बी टुगेदर देन इट्स ऑलवेज गुड. बट वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर कहीं पे अगर किसी को ज्यादा तकलीफ है और अगर उनको साइन ऑफ करना है तो वी वर नॉट फोर्सिंग देम नॉट टू साइन इट अप. क्योंकि देखो हर एसोसिएशन बोलो या हर पार्टी बोलो, पॉलिटिकल पार्टी भी बोलो, देर विल बी ऑलवेज देर विल बी सम ओपिनियन अमंग द मेंबर्स, राइट? एंड इट्स गुड टू नॉट टू ब्रेक अप. आज भी देखो यूसीएन अगर स्टार्ट कर देवे और या सिटी केबल स्टार्ट कर देवे बट वी विल स्टिल बी टुगेदर. दे डू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स एंड दे पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियंस बट वी आर नॉट, हम लोग किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि भाई नहीं आप मत करो, ऐसा नहीं करो या हम निकाल देंगे, वो सब नहीं होता है. फॉर्चुनेटली इट्स अ सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ अप्रोच. तो जिसको भी साइन करना है हम लोग बोल रहे हैं कर लो करके. और देखो उनका अगर आप देखेंगे तो यूसीएन का भी बेस छोटा है तो उनको अगर तकलीफ है तो वी शुड हेल्प देम टू साइन इट अप. मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को कि वो केबल ऑपरेटर को या केबल ऑपरेटर की जो संगठन है उनको सपोर्ट करे, ऐसी बात हुई नहीं. आज जब एनटीओ 3 में, आज एमएसओ अगर कोर्ट में है और आपका संगठन कोर्ट में है तो हम जितने भी केबल ऑपरेटर्स है या केबल संगठन है आपको पूरा पूरा समर्थन दे रहे. भविष्य में करेक्ट हम आपसे क्या उम्मीद करें? अगर भविष्य में हम आपसे क्या उम्मीद करें अगर हमने आज आपको सपोर्ट किया हुए है, भविष्य में हम आपसे क्या उम्मीद करें या आप हमारे बारे में क्या सोचोगे भविष्य में? ओके, फॉर्चुनेटली राजू भाई जो मैं कंपनी में हूँ, मैं एडएसएफ की बात नहीं कर रहा हूँ बट आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट डिजिटल, ठीक है ना. फॉर्चुनेटली नेक्स्ट डिजिटल इज अ कंपनी फॉर द एलसीओस, मेड बाय द एलसीओस एंड नेक्स्ट डिजिटल विल रिमेन फॉर द एलसीओस. हम जो भी करते हैं ना राजू भाई, हम लोग हमारे भाई लोग का सब लोग को बैठ के हम लोग ओपिनियंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं. ये जो स्विच ऑफ हुआ है दैट अनफॉर्चुनेटली ब्रॉडकास्टर्स ने हमको स्विच ऑफ किया है. नहीं तो अगर हम लोग का डिसीजन रहता तो हम डेफिनेटली ऑपरेटर भाई लोग को सबको बिठा के हम लोग एक टाइम बैठ के बात करके ही हम लोग डिसीजन लेते हैं. अगर आपने अगर देखा होगा तो एनटीओ 1.0 में हम लोग ने काफी हम लोग ने बिफोर प्राइस डिक्लेयर करने से पहले हम लोग बड़े ऑपरेटर भाई लोग को सबको बुला के मीटिंग किया और समझाया कि हम लोग क्या प्राइसिंग कर रहे हैं और कैसे हम लोग प्राइसिंग का सोच रहे हैं. ये सब डिस्कस करने के बाद हम लोग ये रेट का निकालें. एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ कि वो जो प्राइस जब तभी एनटीओ 1.0 में जब रेव शेयर्स निकले थे तभी हमारे जो प्रमोटर साहब जो हैं एपी हिंदुजा साहब खुद बोलते थे कि जो टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज हैं, फेस 1 फेस 2 सिटीज जो हैं, उनका रेट कार्ड आप जो है अलग रखना और फेस 3 और फेस 4 का आप अलग रखना रेट, क्योंकि वो ऑपरेटर भाई लोग को ज्यादा स्ट्रेस रहेगा और उनके लिए आप थोड़ा सा जो है रेट कार्ड कम रखना करके. और उसी एक ही वजह से एपी साहब का वो एक डिसीजन की वजह से आज के तारीख में भी आज हम लोग एनसीएफ 39 रुपीज अगर फेस 1 फेस 2 का रखा है तो 30 रुपीज खाली रखा है फेस 3 और फेस 4 का. तो कभी भी हम लोग जो करते हैं राजू भाई, हम लोग ऑपरेटर के हित में ही काम करते हैं और ऑपरेटर कम्युनिटी को रख के ही हम लोग डिसीजंस लेते हैं. तो और यही एक कंपनी होगा जहां पे ऑपरेटर भाई लोग के लिए द डोर्स आर ओपन 24/7, एनी टाइम दे कैन कम, दे कैन टॉक, दे कैन डिस्कस एंड दे कैन मूव ऑन. तो ऐसे कुछ ये नहीं है. और एलसीओ भाई लोग, इवन हम लोग देखो
we are coming up with a new product which is an app based product. Okay, so app based products LCO भाई लोग के लिए बहुत ही टेंशन रहता है कि यार ये ऐप आ गया कंज्यूमर्स के पास डायरेक्टली चले जाएंगे तो हम लोग का फिर क्या रहेगा. काफी हम लोग एक अभी बड़ा एक एक हमारा एक सबसे बड़ा एक ये चल रहा है विच इज कॉल्ड नेक्स्ट संग्राम. तो नेक्स्ट संग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो दिन का ट्रेनिंग करते हैं मुंबई में. राजू भाई आपने सुना होगा नेक्स्ट संग्राम, ठीक है. तो इसमें क्या है कि हम लोग ने NIT के साथ हम लोग ने टाइप किया है. हम लोग इसके ऊपर योगेश भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये चाह रहा हूँ सर कि थोड़ा हम लोग को अभी स्ट्रेस हो रहा है जिस कंडीशन में हम लोग हैं कि ये पूरी फेटर्निटी जो है एक चार फेटर्निटी परेशान है कि कैसे हमको सपोर्ट मिलेगा MSO की तरफ से. तो आपकी जो एसोसिएशन है, हैव यू टॉक्ड इन योर एसोसिएशन इन अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ LCOs कि उनको कैसे सपोर्ट करेंगे? बिकॉज मुझे अभी कुछ होता दिख नहीं रहा है इंडस्ट्री कोर्ट से. अभी आई एम नॉट वेरी क्लियर, 50-50 भी है कि 50-50 चांसेस दिख रहे हैं मुझे. बिकॉज ओनली थिंग इज कि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है पिटीशन एंड दे आर लिसनिंग, सो दे आर फाइंडिंग सब सब्सटेंस इन द पिटीशन, सो दैट इज व्हाई दे आर होल्डिंग इट. सो हो सकता है हमको डिसीजन मिले, हो सकता है हमको डिसीजन ना मिले. इन केस ऑफ हमको डिसीजन नहीं मिलता है अवर अपने फेवर में, एसोसिएशन के फेवर में, then what will be the plan of the association? Shall we continue with this and our subscriber base ka jo churn hai wo pehle 1-1.5% hota tha all India, now that will increase substantially this month. Correct. What is the overall plan of the association, not individually but as a general? Have you people being part of the association sitting there in the coterie, have you discussed that this needs to be taken care individually, separately as an industry also? Yes. So Yogesh bhai, काफी discussion चालू रहता है इसको लेके कि अगर suppose अगर court का decisions अगर आता नहीं है तो next क्या करना चाहिए करके, क्योंकि definitely ऐसा तो नहीं होगा ना कि अपन ये we continue keeping all the broadcasters off, वो होता नहीं, वो होगा भी नहीं. business करना है और साथ में सबको लेके साथ में business करना ही है. तो in next two days we will come out with our very clear open strategy on this. Yes. Next two days. क्योंकि there is some planned try का meeting चालू है और try के साथ discussions चालू हैं. So maybe in next two days we will come out with an open strategy on this. और आपसे request करूँगा, being a member of the association, digital association, MSO association, तो एक चीज देना चाहूँगा कि we are seeing a churn of 1-1.5% all through. From the last maybe COVID 1.0 and 2.0, और ये churn हमारे base को जैसा आपने बिल्कुल सही कहा 50% से somewhere between 45-55% ये base हिल गया है. इस पूरे केस में जहां ब्रॉडकास्टर ने अपने आप को establish कर लिया है अदर न्यू वेंचर्स में भी, जिसका भी अच्छा खासा बेस एक डेवलप हो गया है OTT के अंदर, तो why are they eyeing growth on us? Why not the association is talking कि हमको relief दीजिए आप, because our base is going down. There will be one tipping point, after that our business will be not viable. That is what I see. हमारी viability खराब हो जाएगी tipping point के बाद, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. तो तब तक हमसे growth मांगना, क्योंकि आदमी के पास थोड़ा बहुत खाने को है वो भी ठीक रहे. So why not the association is now started telling them कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की एक्सेसिव बिडिंग कर ली है, ओवर बिडिंग कर ली है, तो दैट इज योर प्रॉब्लम. आस्क फॉर द अदर, जो अपकमिंग बिजनेस है वो बर्डन उधर डालिए, हम पे मत डालिए. आई सजेस्ट दिस. इवन द DTH बिजनेस इज ऑल्सो, यू नो, हमारा चर्न तो 1.5 है, DTH इज 2.5-3 जो चर्न है. तो वाई प्लीज, मेरा ये सजेशन भी है और इस पर आपसे कमेंट भी चाहूंगा कि वाई टू गिव ग्रोथ? हमने कहाँ ग्रोथ कर लिया? हमारे सबके रेवेन्यूज नीचे चले गए हैं, हम लोगों की इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नीचे चला गया. वी विल हैव टू, वी आर टॉकिंग पीपल टू टेक सम अदर अदर प्लेस बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फेड देम. हमारा जो हार्डवेयर इनपुट था, जो हम जिस हिसाब से हार्डवेयर लगाते थे फील्ड में, वो गिर गया है. हार्डवेयर डीलर्स जो हैं वो मीएंडर कर गए हैं दूसरे बिजनेस में. दे आर नाउ डूइंग इंटरनेट एंड अदर, you know, CCTV, and they have taken refuge in other industries. So overall, agar hum dekhe to COVID 2.0,
कोविड 1.0 के बाद अपनी इंडस्ट्री तो गिरी है नीचे, हमने हर फ्रंट पे नुकसान झेला, हर फ्रंट पे हमारा नुकसान हुआ है, उस दौरान ग्रोथ का बात ही कैसे बनता है सर? सो अनफॉर्चुनेट योगेश भाई, ये बात को लेके मैं हर ब्रॉडकास्टर के पास पहुंचा था सेइंग कि जब ग्रोथ, हम लोग एक्चुअली हर कुछ ना कुछ लास्ट दो तीन साल में हम लोग ने छोटा मोटा परसेंटेज ग्रोथ दिया है कुछ कुछ ब्रॉडकास्टर्स को, वी हैव ऑलरेडी गिवन अ हाइक, और वो हाइक जो है हम लोग ग्राउंड पे दे नहीं पा रहे थे क्योंकि हम लोग का रेट ऑलरेडी ज्यादा है, हम लोग का एक 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 सिस्टम्स जो है, हम लोग का एक अलग फॉर्मेट में हम लोग काम करते हैं नेक्स्ट डिजिटल, ठीक है, और वो मॉडल में हम लोग का जो है रेट कार्ड कभी भी हम लोग का ज्यादा था जब NTO 1.0 में ही लॉन्च किया था। उसके बाद काफी कंपटीशन से काफी हम लोग को प्रेशर था कि बाकी सब जगह पे प्राइसेस गिरते जा रहे हैं, हम लोग का वही सेम प्राइस पे रखे हुए, पर हम लोग ब्रॉडकास्टर्स को एवरी ईयर कुछ बैठ के हम लोग छोटा मोटा परसेंटेजेस दे ही भी रहे थे। अब क्या है, ब्रॉडकास्टर्स को ये एक ऐसा मौका मिल गया है, अनफॉर्चुनेटली ये ट्राई का गलती है, ट्राई ने कंप्लीट ऐसा एक रेगुलेशन उनके हाथ में दे दिया है कि ब्रॉडकास्टर्स को एक मौका मिल गया है कि कंप्लीट टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ द बुकिंग, उनको एक मौका मिल गया कि रेट्स कंप्लीटली चेंज करने का एक मौका मिल गया, तो वो लोग ने ये इसका एक फायदा उठा लिया है। ओके, अब उनको भी ये बात अच्छी तरह मालूम है कि सब्सक्राइबर बेस गिरते जा रहा है, और जब हम लोग 10 दिन पहले जब हम लोग जाके मिले हैं ब्रॉडकास्टर्स को, हमने तभी बोला था कि आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आप लीनियर को खत्म करेंगे तो आपका डिजिटल में पूरा नंबर यहाँ से उधर को आ जाएगा, वो भी नहीं है, क्योंकि वो बोल के आए हैं और 4-5 दिन के बाद हम देखते हैं कि हॉटस्टार का नंबर करीबन 3.75 मिलियन से गिर गया। ओके, तो वो ये क्या एक्चुअली व्हाट इट इंप्लाइज दैट इफ लीनियर नंबर इवन इफ इट गोज डाउन इट्स नॉट गोइंग टू गेट एडेड अप टू द डिजिटल। अब अनफॉर्चुनेटली ब्रॉडकास्टर्स के लिए ये मौका देख रहे हैं कि भाई यार हम जो बचा हुआ नंबर्स में से निचोड़ के कैसे हम लोग रेट कार्ड को रेवेन्यू को कैसे बढ़ाने हैं, वो उसमें देख के बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हमको जो नंबर जो रेवेन्यू है या नंबर्स जो है वो डिजिटल से मिल जाएगा, एक ऐसा सोच कुछ है उनका, नहीं तो दिस इज कम्प्लीटली सुइसाइडल ऑफ इंक्रीजिंग द रेट्स, क्योंकि ये जितना रेट इधर बढ़ाएंगे लीनियर का उतना ही टर्न और बढ़ना है, फ्रॉम 1.5 इट विल जंप टू सम 3.5% इज व्हाट आई अज्यूम इट माइट बी, जैसे बढ़ाएंगे रेट्स बढ़ाएंगे तो तकलीफ में है और कंपटीशन भी है, बिकॉज भी सस्ते में बांट रही है आजकल, OTT सस्ते में बांट रही है और प्लेटफॉर्म्स लाइक जियो वो भी एक कम्प्लीटली एक नया एक तरीके से वो लोग भी आ रहे हैं ग्राउंड पे, तो डिफिकल्ट टाइम एंड आई रियली डोंट नो व्हाई दे, और वो भी रेट हाइक बोलेगा तो स्टार्टिंग 40-45% से स्टार्ट किया है लोग रेट कार्ड डिस्कशन, लास्ट में बोले कि 25%, तो आई रियली डोंट नो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड एंड आई हैव नो आइडिया वेयर आर द लीडर्स एंड व्हाई देयर इज अ कंप्लीट gap in the thought process of the management of various companies. I really don't know. Yes, I agree. I'm also completely clueless ki bhai itna percentage hike, I'm still not able to understand this ki bhai aisa kya inko lag gaya ki cable operators bhai log aur hum log itna paisa kya bator rahe hain kya ground se. नहीं, लेटली तो सब लोग आज देखो नेगेटिव में वापस, अपन लोग नेगेटिव में पहुंच गए, हम लोग तो नेगेटिव लूज कर रहे हैं, हम तो बिजनेस हमारा आगे बोल रहा हूं, वी ऑल हैव कम बैक टू नेगेटिव, आगे जाके ये देखना पड़ेगा हमको, बट दिस नोबडी इज बदर्ड, नोबडी इज बदर्ड, आई एम तो सरप्राइज केला हाई कोर्ट जस्टिस ही इज दिस बदर्ड के 4.5, तो अभी ऐसा लगता है कि आपके कहने के ऊपर से सिटी केबल ने, UCN ने और जितने भी इंडिपेंडेंट एमएसओ ने जो उनका एग्रीमेंट साइन किया है वो उनकी कंडीशन को मान के साइन किया है, और आगे जाके हमको ग्राउंड पे ये दिखाई देगा कि उनके जो है कस्टमर्स उनके रेट्स बढ़ गए हैं या उनके केबल के रेट्स बढ़ गए हैं। मेरे ख्याल से शुभकांत को कुछ पूछना है, बहुत दिन से टाइम से बैठा है वो, तो शुभकांत के कुछ सवाल रहे तो 100% भाई वो शुभकांत तुम्हारा ऑडियो म्यूट है शुभकांत जी। हाँ सॉरी,
मफाज जी शुभकांत जी को फ्लड लाइट प्लीज। हाँ मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अभी जिस तरीके से इन्होंने एमएसओ का जो अपना पैनल बनाया है या जो एसोसिएशन बनाई है, क्या उसमें आप, क्योंकि हमारा और एमएसओ का बिजनेस कॉमन है, हम दोनों ही पार्टी कॉमन है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एसोसिएशन के अंदर हमारे केबल ऑपरेटर की भी कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाएं? देखो एआईडीएफ में मुश्किल होगा, ओके एआईडीएफ में टू पार्टिसिपेट विल बी डिफिकल्ट, बट डेफिनेटली अपना अपना एसोसिएशंस जो हैं, जो कंसर्न्ड एमएसओस को मिलना मिलना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, बात करना चाहिए। नहीं, असल में अभी तक जहां तक ऐसा हुआ है कि एमएसओ ने कभी भी केबल ऑपरेटर को ज्यादा तवज्जो दी नहीं है, और वो कभी भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें वो केबल ऑपरेटर को इन्वॉल्व करते नहीं है, जो कि इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जब ये सिस्टम 45 दिन का या 45 घंटे का उनको नोटिस मिला तो उसकी सूचना उन्होंने अपने किसी भी केबल ऑपरेटर को नहीं दिया कि भाई हमें 45 दिन की सूचना मिली है और हमको ये बोला गया है कि हम स्विच ऑफ कर देंगे। लेकिन आज जो खामियाजा भुगत रहा है वो सिर्फ केबल ऑपरेटर भुगत रहा है। एमएसओ को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जो मैं समझता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क जो हमें पड़ रहा है कि पहले ही हम लोग 30-40% धंधा अपना खत्म कर चुके हैं, और अब जो 30-35% हमारे पास धंधा बचा है उसकी भी हमें कोई गारंटी नहीं दिखती कि क्या ये अभी केस के बाद क्या होगा। क्या ब्रॉडकास्टर एमएसओ अगर आपस में बैठ के बात कर लेते हैं और उनका आपस में सेटलमेंट हो जाता है तो जो केबल ऑपरेटर का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कहीं तक भी कोई एमएसओ करेगा, कोई सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगी या कोर्ट हमें कोई सहानुभूति देगा, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। आज हमें रोज ग्राहक जो है फोन करता है कि इमीडिएटली या तो आप हमारे को बताओ कि चैनल ऑन होंगे कि नहीं होंगे, अदरवाइज हम जो है शिफ्ट कर जाएंगे अदर नेटवर्क पे। ये एक बहुत ही अजीब सा हो गया, एक दो दिन तो नहीं बोला लेकिन आज मैं सारे दिन ऑफिस में था और मुझे ज्यादातर ऑपरेटर कस्टमर का यही कॉल आ रहा था कि भाई साहब अगर आप नहीं कर सकते शिफ्ट करो तो हम किसी और के साथ जुड़ जाएं। सिटी में आ रहा है, टाटा स्काई चल रहा है, टाटा स्काई ने पूरे इलाके के अंदर इन लोगों ने क्या किया है, पैम्पलेट छाप के पूरे इलाके में बांट दिया। इवन जियो ने भी, मैं हैरान हूँ कि जियो ने भी अपने पैम्पलेट छाप के बांट दिए कि जियो का ही डेन है, जियो का ही हैथवे है, जियो का ही टीपीएल है। उसके बाद वही जियो फाइबर वाला वो पूरा का पूरा पैम्पलेट डाल रहा है फेसबुक पे, ग्राउंड पे। ये एक अलग तरीके की चीज दिखती है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यदि हमारे ऑपरेटर के नुमाइंदे आपके इस एसोसिएशन में इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों की समस्या हमारी कॉमन है। आप भी चाहते हैं पैसा कमाना, ऑपरेटर भी पैसा कमाना चाहता है, और वो चाहता है कि जो ग्राहक उसके पास 10 साल 15 साल 20 साल से है उसको भी ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हमें पता होगा कि हम किस एक्शन पे काम कर रहे हैं, हमें पता होगा कि हमारे साथ आने वाला समय जो अगला है वो मतलब उसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम अपने कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं हर कलेक्शन के ऊपर, हर टाइम हम अपने कस्टमर के टच में होते हैं। तो कस्टमर को अगर हम अवेयर करते रहेंगे कि आने वाले 2 महीने बाद इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, यदि आपको कोई समस्या हो तो प्लीज हमें कोऑपरेट करना, तो जो आज हुल्लड़ हो रहा है वो शायद ना हो। और उस कंडीशन में हम डीटीएस से या हम दूसरे जो एयरटेल है या कोई भी जियो है उसके इन पार्टों से हम फाइट पे आ जाएंगे कि भाई कल को हम अपने कस्टमर को हमने समझा लिया, अगर हम हफ्ता भर भी इसको मैनेज कर सकते हैं, 10 दिन मैनेज कर सकते हैं तो हम किसी भी फाइट में आ सकते हैं। दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब ब्रॉडकास्टर एमएसओ की बात मान लेता है और केबल ऑपरेटर की कुछ क्वेरी रह जाती है, उसकी बातें पूरी नहीं हो पाती या उसके क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाते, तो वो हमारे पास ऑप्शन तो कुछ नहीं है। आपके पास तो ऑप्शन हो जाता है एमएसओ के पास, तो उसके पास पूरे चैनल की स्विच ऑफ ऑन ऑफ करने का स्विच है, वो ऑन ऑफ करके भी उससे बात कर सकता है। हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसे होनी चाहिए कि जो हमारे पास भी हो भाई, हमारे थ्रू वो हो। एक मिनट शुभकांत, शुभकांत ने जो उठाया हुआ पॉइंट जो है वो तो वैलिड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जवाब आपने तो दिया कि आपकी एसोसिएशन में हमारे प्रतिनिधि नहीं बैठ सकते, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जब आप कोई डिसीजन पे आ रहे हो या आपको वो डिसीजन अगर इम्प्लीमेंट करना है उसके पहले आप क्या केबल संगठन के साथ बैठ के उनका व्यू या केबल ऑपरेटर का व्यू जानने की कोशिश कर सकते हो? मेरे ख्याल से इसमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए,
क्योंकि सुक्का ने आपने डिसीजन लेने के बाद हमारे हाथ में कुछ रहता नहीं, लेकिन आपकी संगठना है, हमारी संगठना है, दोनों हाथ में हाथ मिला के चलने की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये फ्यूचर में ये हो सकता है कि आपका एसोसिएशन है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का और केबल ऑपरेटर का, आपका डिसीजन होने के बाद क्या आप वो सारा शेयरिंग आप हमारे साथ करके उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी ला सकते हो कि, और वो निर्णय में कुछ हमको हमारी कुछ मांगे है या हमारी कुछ बातें है वो ऐड कर सकते हो? रुसाब हाँ, तो नॉर्मली हम लोग देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने डेफिनेटली एसोसिएशन करके हम लोग ने किसी को इनवाइट नहीं किया है मीटिंग्स में, बट नॉर्मली हमने देखा है कि जो की मेन ऑपरेटर्स जो रहते हैं, क्योंकि हम लोग ने भी अपना जो बेस है उसमें अलग स्लैब्स बनाए हुए हैं, प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर, ओके, तो उसमें क्या होता है हम लोग एक एक रिप्रेजेंटेटिव को लेके हम लोग मीटिंग करते ही हैं और उनका राय ले लेते हैं, और क्योंकि सब एरिया वाइज अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है, और क्योंकि हम लोग एक नेशनल एक एमएसओ हैं और हिट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री चलती है, तो एक संगठन से एक सिंगल एक रिक्वायरमेंट करके आना बहुत मुश्किल रहता है राज भाई। Okay. उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कोई एक एलसीओ को या कोई ऑपरेटर को लेके बैठते हैं तो वो ऑपरेटर के तरफ से आपको सिर्फ उसके एरिया की उसके विभाग की बातें आएंगी। हम लोग करते हैं, हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग रीजन वाइज हम लोग करते हैं, रीजन वाइज हम लोग मीटिंग मीटिंग चालू रहता है। आज के तारीख में नेक्स्ट संग्राम जो है, नेक्स्ट संग्राम आप देखो ना पूरा रीजन वाइज चालू है। नहीं अभी ये पॉइंट पे बात करते हैं, मैं वही पॉइंट पे आता हूँ, जैसे शिवकेबल सेना है पूरे महाराष्ट्र में रिप्रेजेंट करती है सारे ऑपरेटर को, आप देख रहे महाराष्ट्र तो हमारे पास सारा ऑपरेटर का इनपुट है, शुभकांत कामत है हमारा जो भारत केबल उद्योग संघ है पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, सारी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे पास कलेक्टिव इंफॉर्मेशन रहती है महाराष्ट्र की और इंडिया की। आप भी पैन इंडिया काम कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल आप कहीं अंधेरी के लिए या मुंबई में किसी एक एरिया के ऑपरेटर को बुला के उससे बात कर रहे हो तो वो खरी अपनी बातें रखेगा, वो महाराष्ट्र की बातें नहीं रहेगी, वो इंडिया की बातें नहीं रहेगी। मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ, क्या आपके लिए पॉसिबल है किसी एसोसिएशन को इन्वाइट करें, जैसे हमको इन्वाइट करें या हमारे केबल संगठन जो हमारा पैन इंडिया काम कर रहा है उसको इन्वाइट करके दो तीन आदमी आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए इजी पड़ेगा सारे लोगों को जो महाराष्ट्र के एलसीओज है उनकी बातों को सामने लेके उनको उनका इनपुट लेके आगे का डिसीजन फॉरवर्ड करने के लिए आपको इजी लेगा, ना कि किसी एक सिंगल ऑपरेटर के साथ बैठ के पैकेज बनाने का। ये हमारा मांग की है। नहीं राजीव भाई, नॉर्मली क्या होता है जैसे मैंने बताया कि ऐसे अलग अलग बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं, और नेशनली अगर देखे जाएंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि अलग अलग टाइप के बहुत एसोसिएशन हैं, काफी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट्स काफी आते हैं मिलते हैं, तो ये एक फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि हमने एक को बुलाया दूसरे को नहीं बुलाया, वो भी एक बहुत हाईली एक इगोस्टिक प्रॉब्लम हो जाता है कि इसमें, तो हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेट वाइज हम लोग ने हमारा जो है स्टेट वाइज हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, और स्टेट वाइज मीटिंग करके हम लोग करते हैं। एनटीओ 1.0 में किया था, एनटीओ अभी ये जो 3.0 में हम लोग को भी करने को ना टाइम मिला है, 48 आवर्स का नोटिस में बंद कर दिया था, तो हमने पर जितना जल्दी हो सका हमने फटाफट हम लोग ने सभी रीजन्स में हम लोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है विद द मेन ऑपरेटर्स एंड विद अवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके साथ तुरंत हम लोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया बिफोर स्विच ऑफ। जैसे 48 आवर का नोटिस मिला उसके एक दिन के बाद हम लोग ने वीसी किया और बता दिया सबको कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ब्रॉडकास्टर्स में स्विच ऑफ, तो वो हमने आपको जो कि ये लाइव चल रहा है ये जो है भारत केबल उद्योग संघ जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं लाइव को, मैं आपको हमारा जो फर्स्ट लाइव हुआ था सेकंड लाइव होता उनकी लिंक भेज दूंगा, 10,000 व्यूअर्स है इसमें, 10,000 व्यूअर्स जो इसमें इसका लेते इसको देखते हैं। जैसे हमारी संगठन है शिव केबल सेना, वो पैन महाराष्ट्र काम करती है, भारत उद्योग संघ है वो पैन इंडिया काम करती है, और हमारे उद्योग संघ के जो मेंबर्स है वो सिर्फ एसोसिएशन है, ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ कि उसमें जो तालुका लेवल के है डिस्ट्रिक्ट लेवल के है वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको महाराष्ट्र की बात करनी है तो महाराष्ट्र में जो भी एक दो तीन जो भी एसोसिएशन है उनके मेंबर के साथ आप बैठ सकते हो, पैन इंडिया आपको नहीं, कोई राजू भाई एनी टाइम ना राजू भाई कभी भी अगर ऐसा कुछ रहता है कुछ इश्यूज रहता है एनी बडी इज वेलकम, मैं बोल रहा हूँ सभी को वेलकम है नेक्स्ट डिजिटल के ऑफिस में। आप भी तो कितने टाइम आए हो ना राजू भाई, ऑपरेटर का जब तकलीफ रहता है तो आप आए हो ना, और हम सुनते भी है। देखो हम लोग ट्राई करते हैं बेस्ट, हम लोग ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम बेस्ट सॉल्यूशंस के लिए हम लोग ट्राई करते भी हैं और वो जारी रहेगा। आप डेफिनेटली मोस्ट वेलकम,
अगर कुछ भी राय लेके आना चाहते हैं प्लीज लेके आइएगा। और हम लोग का ऑफिस सब मेन सिटीज में है, ऑफिस है, आप वहां पे भी आ सकते हैं, मुंबई भी आ सकते हैं, एंड मोस्ट वेलकम, वी विल डेफिनेटली पुट योर पॉइंट, कम एंड वी विल डेफिनेटली स्टे हियर। आपको जो कोऑर्डिनेटर से नोटिस मिली थी तो आपने मुझे उसका इंफॉर्मेशन किया, मैं आपके ऑफिस में आया फ्राइडे के दिन, मैं आपके ऑफिस में था, आपने मुझे नोटिस दिखा दी कि ब्रॉडकास्टर ने नोटिस दी है। उस दिन हम लोग बहुत टेंशन में थे, हम लोग ये सोच रहे थे शायद बंद करेगा नहीं बंद करेगा। अब हुआ ये कि आपने ट्रांसपेरेंटली वो नोटिस मुझे दिखा दी, तो मैं बहुत ठोस और बहुत ठोस तरीके से मेरे केबल भाई को बोल रहा हूँ, क्योंकि केबल ऑपरेटर में वो द्विधा थी कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने बंद किया है या ब्रॉडकास्टर ने बंद किया। लेकिन जबकि आपने मेरे साथ वो ट्रांसपेरेंसी रखी, तो मैंने आज ठोस तरीके से सारे केबल भाई को बताया कि ये जो बंद हुआ ये ब्रॉडकास्टर ने बंद किया। देखो इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से सारे केबल ऑपरेटर एक जगह आपके साथ खड़े हुए हैं, सारे एसोसिएशन। हम यही बात चाहते हैं दादा, आप कुछ काम करना चाहते हैं या आपके ऊपर कुछ दुविधा आई है या कुछ संकट आया है, वो हमारे साथ भी शेयर होना चाहिए। हम आपको दुश्मन sure, sure. हम आपको नहीं, नहीं, कभी भी कभी रखेंगे ना राजू भाई, पक्का रखेंगे, यानी यानी ऐसा कुछ भी आएगा हम यू विल कीप यू इन्फॉर्म। यस, मैं एक बात रोजदीप बता दूं आपको कि ज्यादा इश्यूज आते हैं वो ऑपरेटर से ही आते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड पे काम करता है और ग्राउंड की जो रिपोर्ट है या ग्राउंड का जो वर्किंग है वो आपके कंट्रोल रूम के अकॉर्डिंग नहीं चलता। ग्राउंड पे हर चीज बिल्कुल वेरी डिफरेंट, किसी का टीवी अलग है, किसी का सिग्नल अलग है, किसी का वायरिंग का इशू है, किसी का एम्पलीफायर के इश्यूज हैं, तो ये क्वालिटी इश्यूज हैं, ये बहुत सारे इश्यूज नीचे होते हैं। आप एक बहुत बढ़िया नेटवर्क लगाते हैं, उसके अंदर बहुत बढ़िया सिस्टम लगा के कंट्रोल रूम को तैयार कर देते हैं, उसका सिग्नल नीचे जाके पता नहीं कैसे कैसे एम्पलीफायरों से गुजर के, कैसे कैसे नोडों से गुजर के, तब वो कस्टमर के टीवी तक पहुंचता है, उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि हम ऐसे जैसे हम मर्ज हैं, यदि हम मर्ज हो जाते हैं, तो एज ए टेक्निकल हम आपसे एक सपोर्ट ले सकते हैं कि जिस क्वालिटी का आपने नेटवर्क लगाया है, जिस क्वालिटी का आपने कंट्रोल रूम लगाया है, क्या उससे संबंधित एम्पलीफायर हमें ये मिल जाए कि ताकि क्वालिटी हमारी बेस्ट टू बेस्ट हो जाए, एक पॉइंट ये हो जाता है। दूसरा, तो जब हम किसी भी एक्शन पे जाते हैं तो मेरा और आपका जो सवाल है वो कॉमन होता है। आज ट्राई में आप मीटिंग करने जाएं तो एमएसओ और केबल ऑपरेटर का जो सवाल होता है वो ज्यादातर एक जैसा होता है कि भाई हमारी इनकम का स्रोत ऐसा है वैसा है, ये वो अगड़म सगड़म। अब कम ब्रॉडकास्टर ने ट्राई ने कैसे करके 100 रुपीज में से 20 रुपए में तो मुझे और आपको खड़ा कर दिया और 80 रुपए में वो खुद अकेला खड़ा हो गया। मतलब क्या अजीब सी विडंबना है कि अगर शेयरिंग भी की तो कम से कम शेयरिंग तो ढंग से करते और किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, ऑपरेटर जहां था उससे भी नीचे चला गया। तो अगर हम ज्वाइंट होके काम करेंगे, हम एक दूसरे के साथ खड़े होके काम करेंगे, तो आई थिंक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। धन्यवाद। आपने अभी कहा कि 48 आवर्स के उन्होंने अंतराल में 48 आवर्स के गैप में उन्होंने डीएक्टिवेशन कर दिया। नाउ आई हाउ आई विल ट्रीट दिस सर इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आई थिंक कि मैं इंडस्ट्री की शुरुआत की तरफ जब देखता हूं तब से हम पे चैनल्स के साथ डील कर रहे हैं और उनके रेवेन्यू मॉडल का एक पार्ट है। उनके रेवेन्यू मॉडल के बेसिकली मुझे पता है दो पार्ट हैं, एक उनका एड सेल्स है और दूसरा हम हैं। उनके एड सेल्स को भी आगे ले जाने वाले हम हैं एंड इसको बहुत ही सीरियसली मेरा सजेशन है एसोसिएशन से, जो डिजिटल एसोसिएशन है या एमएसओ एसोसिएशन है, कि इसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट समझना चाहिए। 48 आवर्स में उन्होंने चैनल बंद कर दिया। हम आई डोंट नो, मेरे ख्याल 25 साल से प्लस टाइम से उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अजीब सा ना एक शेडी एरिया भी दिखा रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि 48 आवर्स में उनको बंद करने पड़े। हम उनके चैनल लेके भागने वाले थे या उनके चैनल 2 रुपए ज्यादा में बेचने वाले थे या हम 48 आवर्स में कुछ ऐसा करने वाले थे कि सारा पैसा हमारे घर चला जाता और उनको कुछ मिलता ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड बट दिस समहाउ शोज मी दैट देयर इज सम हाई हैंडेडनेस फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रॉडकास्टर। आई डोंट नो व्हाई दिस हैज कम अप बट ये 48 घंटे में बंद करने राहुल साहब, ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि हम तो जन्म जन्मांतर से, जहां तक केबल टीवी की बात है, हम उन्हीं के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट, दिस इज माय सजेशन एंड योर कमेंट आल्सो ऑन दिस, कि व्हाई दिस हैपेंड इन 48 आवर्स, व्हाट लेड दैट टू 48 आवर्स। हम लोग जहां तक जानता हूं मैं एमएसओस को, वी आर वेरी सेंसिबल पीपल,
एंड यस ऑफ कोर्स हमारा उनका बिजनेस मॉडल जो है ब्रॉडकास्टर के साथ थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है जहां तक सेल्स की बात आती है, क्योंकि वो पैसा हम ही से लेंगे और हम पैसा बचाएंगे भी तो उन्हीं से बचाएंगे और फिर उसको अपने वेरियस प्रपोर्शंस में यूज करेंगे जैसे भी हमको यूज करना है। तो व्हाट हैपेंड कि ये 48 घंटे में उन्हें ऐसा करना पड़ गया, क्या क्या कंपल्शन था कि 24 घंटे में ही कर दो, प्लीज कमेंट। सो जहां तक मेरे को समझ में आया है फ्रॉम ब्रॉडकास्टर्स, लीगली देयर इज अ गैप और देयर इज अ फ्लॉ, सो दे यूज दैट फ्लॉ फॉर स्विचिंग ऑफ इन 48 आवर्स। वो लोग ने क्यों किया है वो एक बड़ा एक प्रश्न हमेशा रहेगा कि व्हाई 48 आवर्स। ऐसा भी कर सकते थे कि भाई 48 आवर्स के अंदर नहीं करेंगे तो हम लोग पूरा तुम्हारे ऑफिस में आके बैठेंगे, तुमसे नेगोशिएट करेंगे, वो भी कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली देर इज अ, मैं तो समझता ऐसे हूं कि मे बी देर आर ग्रेट पीपल एज सीईओज ऑफ दोस ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज, बट अनफॉर्चुनेटली देर इज अ लैक ऑफ लीडरशिप देर, देर इज लैक ऑफ थॉट प्रोसेस देर। डेफिनेटली दे मे नॉट बी रॉन्ग, लीगली दे मे बी राइट इन स्विचिंग अस ऑफ, क्योंकि हमारे पास लिखित में एग्रीमेंट नहीं है तो कानून कहता है कि भाई एग्रीमेंट अगर नहीं है तो हम तुमको सिग्नल दे नहीं सकते हैं, कानून कहता भी है तो लीगली दे मे बी राइट, बट देर इज अ रिलेशनशिप। हम लोग कहीं पैसा लेके भाग जा नहीं जाते हैं, हमारे पास आउटस्टैंडिंग बहुत कम रहता है, मैक्सिमम एक आध महीने का आउटस्टैंडिंग रहता है, ठीक है, तो वो कुछ नहीं था। बट ये एक हार्ड एक डिसीजन लेके उन लोग ने बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गलत किया है और कुछ हाँ ये बहुत गलत हुआ है। मैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से ज्यादा बोलूंगा कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ लॉ। एक्चुअली एमआईबी का एक सर्कुलर, राजू भाई उसमें है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लीगली दे मे बी राइट आल्सो, ठीक है, आई विल नॉट, आई विल नॉट, एमआईबी का एक ऑर्डर है कि आपको कोई भी अगर सर्विस स्विच ऑफ करनी है तो आपको 21 डेज का प्रायर नोटिस देना है। और नहीं, उसके बाद काफी लॉ काफी चेंज हो गया राजू भाई, काफी लॉ चेंज हो गया उसके बाद। टीडीसैट भी कहता है, टीडीसैट भी कहता है कि अगर आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हो तो यू शुड नॉट गिव सिग्नल्स, तो दे माइट हैव यूज्ड दैट पर्टिकुलर क्लॉज टू स्विच अस ऑफ। तो आई विल नॉट ब्लेम देम फॉर स्विचिंग अस ऑफ, बट आई विल ब्लेम देम कि भाई तुम व्हाट डिड यू अचीव, आपने हमको हमारा धंधे का नुकसान करा दिया, हमारे ऑपरेटर भाई लोग का कनेक्टिविटी खा गए। ओके, ऐसा भी नहीं है कि आपके डिजिटल में जाके ये सब नंबर्स आके बैठने वाले हैं, आपने हमको पुश करके मजबूरन में डाल के आपको क्या मिला, सबका धंधा खराब किया, सबका रेवेन्यूज खराब कर दिया, उनका भी खराब हो गया, अभी एडवर्टाइजर्स उनके जान, एडवर्टाइजर उनके जान के पीछे पड़ जाएंगे कि हमको रिफंड दे दो। तो इसमें पूरा जो है इसमें लैक ऑफ लीडरशिप मैं कहूंगा और नथिंग एल्स एज ऑफ नाउ। इसके बारे में हम एक सोच रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, मतलब ट्राई के हाथ में। मेरे ख्याल से अगर आपकी केस शुरू थी ट्राई की ब्रॉडकास्टर की और आपकी केरला हाईकोर्ट में, तब तक अगर ट्राई चाहता था तो ये इम्प्लीमेंटेशन को वो सस्पेंड कर सकता था, ये हमारा मानना है। लेकिन उन्होंने हमेशा ये जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी ट्राई के साथ अनिल भारद्वाज के साथ, उन्होंने उनका एक ही वर्ड था कि हमने ऑलरेडी वो इम्प्लीमेंट कर दिया है 1 फरवरी से, लेकिन वो उसको रोक भी सकते थे। हमारी कोशिश चल रही है, हमारा थोड़ा विचार चल रहा है कि ट्राई के ऊपर बड़े पैमाने पे केबल ऑपरेटर को लेके धरना या जो भी हमारा करना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी हम डर रहे एक बात के लिए कि कितने ऑपरेटर आएंगे, 400-500 ऑपरेटर से या 1,000-1,500 ऑपरेटर से काम नहीं चलेगा, 40-50-60 हजार की संख्या में अगर ऑपरेटर आते हैं वहाँ पे तो ये कुछ हो सकता है। हम सोच रहे हैं कि एक बार ट्राई को थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है और बड़े पैमाने पे ये करना है। मैं चाहूँगा कि केबल ऑपरेटर जो भी है देश भर के, वो अगर ये आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो पहले उनको हमको आश्वस्त करना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई कॉल कोई संगठना देती है या भारत केबल उद्योग संघ देती है तो हम पूरे समर्थन के साथ तुम्हारे साथ है, तो ही ये कॉल आ सकता है। क्योंकि बहुत लोग मुझे बार बार मेरे ग्रुप में बोल रहे हैं कि ट्राई के ऊपर धरना लो या ट्राई के ऊपर मोर्चा लो,
ये आसान चीज नहीं है, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे कहना और प्रत्यक्ष रूप से वहां पे हाजिर होना, इसमें फर्क है। तो जब तक मैं, क्योंकि ये मैसेज मुझे आ रहे हैं, मैं केवल भाइयों को इतना ही कहना चाहता हूँ, जब तक हम आप हमको आश्वस्त नहीं करेंगे तब तक हम इसके बारे में जो विचार है वो निर्णय, उसका निर्णय नहीं ले सकते। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अपने आशीष जी, दुबे जी हैं, आशीष जी वो कुछ कहना चाहते हैं। आशीष जी प्लीज। जी, मैं रोज सर से पूछना चाहता हूँ दो बातें, बाकी तो बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। एक तो ये, जैसे रोज सर ने कहा कि अगर यूनियन के कुछ लोग एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो वो कर रहे हैं, मेरा मानना और मेरा पूछना ये है कि एक तो इससे क्या ऐसा नहीं होगा कि जैसे सिटी में चल रहे थे आज यूसीएन में चल रहे, तो वहां जो दूसरी कंपनी के ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्या? आप लोगों को कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आपके एसोसिएशन के लोग ज्यादा उसमें ना जाए, या आपने की लोगों ने माना नहीं? एक तो मैं ये पूछना चाहता हूं। दूसरे मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आजकल बहुत आ रहा है कि AIDCF ने जो है 12 रुपए वाले कैप को जगह 19 रुपए वाले कैप को हाँक किया था। केवल ऑपरेटर एसोसिएशन लगातार इस बात पे थी, रिटर्न में भी दिया था सप्ताह की, 12 रुपए होना चाहिए। फिर आप लोगों ने, एमएसओ एसोसिएशन ने ऐसा क्या सोचा जो उस कैप के लिए 19 रुपए पे हाँ किया? थोड़ा सा आप अगर प्रकाश डालेंगे तो हम लोगों को भी आगे जानकारी समझ में आएगी, मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई साहब, मैं उसको बराबर समझा नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे आज यूसीएन पे चालू हुए चैनल, पहले सिटी पे चैनल चालू थे, आपने कहा कि अगर ऐसे कुछ एमएसओ अलग अलग एग्रीमेंट करके जाना चाहते हैं तो हम उनको मना नहीं करेंगे। मेरा कहना ये है कि वहां जो अलग जैसे यूसीएन चालू है या सिटी पे था, अगर नया एमएसओ चालू होता है तो वहां जो बाकी वो हैं कंपनियां, उनके ऑपरेटर्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा पब्लिक का कि भाई वहां चल रहे हैं आपके पास क्यों नहीं चल रहे? फिर कहां तक समझाएगा ऑपरेटर कि भैया उनकी कंपनी ने कर लिया, हमारी कंपनी ने नहीं किया? मेरा कहना ही है। तो क्या आप लोगों की ऐसे कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि ऐसा ना हो? नहीं नहीं, वही हम लोग ने ट्राई किया है, हम लोग ट्राई डेफिनेटली किया है कि सब लोग का जो है एक साथ करें करके, हम लोग ने काफी रिक्वेस्ट किया था और काफी जन उसके साथ सहमत में थे और काफी जन अभी भी हैं साथ में जुड़े हुए हैं। बट क्या होता है कि कहीं कहीं किसी का अगर मैटर बहुत खराब हो जाता है तो अपन वो उनका फिर वो तकलीफ समझ के हम लोग मना नहीं करते हैं और उनका एक इंडिपेंडेंट एक डिसीजन का रेस्पेक्ट करना पड़ता है और वो हिसाब से अपन को हम लोग दे देते हैं वो करने के लिए। एक सम सॉर्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग है ये कि अगर किसी को अगर करना है तो प्लीज गो अहेड एंड डू इट, वी आर नॉट अगेंस्ट इट एंड वी विल नॉट ट्राई टू गो अगेंस्ट इट ऑल्सो। ठीक है, तो वो एक है, आप जो बोल रहे हैं वो पॉइंट भी सही है। जैसे वो एक्टिवेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूसीएन अभी स्टार्ट कर देगा तो हम भी वहां पे हैं, हैथवे भी है वहां पे और GTPL भी वहां पे है, तो हम लोग को डेफिनेटली हमारे ऑपरेटर भाई लोग को बहुत बुरा लगेगा कि यार क्यों वो, उसने क्यों स्टार्ट कर दिया, आपने क्यों नहीं स्टार्ट किया। बट ये मैटर ऑफ मेरे ख्याल से ये लंबा नहीं जाएगा। अच्छा, 2-3 days सर, आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू दैट। कस्टमर को संभालना बहुत मुश्किल होता है ऐसे में। नहीं आशीष जी, मैं ऑपरेटर्स को भी बहुत बुरा लगता है। आशीष जी की बात में थोड़ी आगे लेके जा रहा हूँ। इससे हुआ ये कि सारी केबल संगठनाएं और सारी केबल ऑपरेटर जितने भी एलओएम भाई है देश भर के, ये आपके साथ डट के खड़े थे, लेकिन ये जो हुआ सिटी केबल का और यूसीएन का, उसकी वजह से एक मैसेज आया, मैसेज गलत मैसेज पहुंचा कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के एसोसिएशन में फूट पड़ गई है। तो ये गलत मैसेज गया, उसके ऊपर से होता ये कि हमारे जो केबल मालिक है उनका मनोधैर्य जो है वो गिर जाता है। तो ये कोशिश होनी चाहिए। चलो मैं मानता हूँ आज आप आए, आपने उस कम समय के लिए बोला था लेकिन 1 घंटे से ऊपर आपने समय दिया, बहुत सारे सवालों का हमारे जवाब दिया, कुछ सवालों से हम सेटिस्फाइड है, कुछ सवाल आज भी हमारे लिए अनआंसर्ड ऐसा लग रहा है मुझे कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। वो तो होता रहेगा, 100% तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा नहीं। हम कोशिश करेंगे। हमारे भाई का एक लास्ट एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या था भाई साहब प्लीज, सेकेंड क्वेश्चन आशीष जी। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जब हम लोग 12 रुपए के कैप के लिए लड़ रहे थे
हमारी हम कोर्ट में भी गए थे, हमारी जब आर एस शर्मा जी से बात हुई थी, केवल हमारी एसोसिएशन हम लोगों की वजह से दोबारा से ये आया था कैप, और उसमें अब वो कहते हैं कि आप लोगों की एसोसिएशन ने 19 रुपए के कैप को हाँ किया था। तो ऐसा क्या था कि आप ज्यादा रेट के लिए तैयार थे और हम कम रेट के लिए लड़ रहे थे? ये वापस गलत एक फहमी है। कहीं पे भी AIDCF या कोई भी MSO एसोसिएशन ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई चैनल का रेट 12 से आप 19 रुपए पे लेके चले जाओ, ऐसा कहीं नहीं है, कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है, कहीं पे लिख के नहीं दिया है, कहीं एक्सेप्ट नहीं किया था। इट ब्रॉडकास्टर्स का, ब्रॉडकास्टर्स ने ट्राई को चैलेंज किया, उन लोग ब्रॉडकास्टर्स को लेके, ब्रॉडकास्टर्स ने ट्राई के खिलाफ केस किया है, हम अब हम लोग ने सपोर्ट नहीं किया ना उसके ऊपर। और एक बहुत सारे केबल ऑपरेटर का एक सवाल है आपके लिए कि हमने सारे चैनलों को प्रमोट किया है, सारे चैनल घर तक पहुंचाने में केबल ऑपरेटर का सबसे बड़ा हाथ है प्रैक्टिकली जमीन पे उतार के। आज एक भी न्यूज चैनल ये न्यूज दिखा नहीं रहा है जब से 4.5 करोड़ से ज्यादा घरों में आज केबल के चैनल नहीं पहुंच रहे हैं, और एक भी न्यूज चैनल उसको उसकी न्यूज नहीं दे रहा है। तो हमारा ये सवाल है कि ये न्यूज चैनलों को हम एड रेवेन्यू क्यों कमा के दे रहे हैं? हमारी मुसीबत के वक्त जो हमारे साथ खड़े नहीं रहते, हालांकि एबीपी न्यूज में एक न्यूज ऐसी आई थी कि केबल ऑपरेटर ने स्ट्राइक की है, उन्होंने तरफदारी की थी ब्रॉडकास्टर की, तो क्यों ये चैनल ये वक्त में कम से कम ये ब्लैकआउट में ये चैनल क्यों चालू है, उनको झटका क्यों नहीं मिल रहा है? और ये बहुत जोरदार मांग है केबल ऑपरेटर की और केबल ऑपरेटर के साथ हमारी कि आपकी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर कम से कम इस समय के लिए जो नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, जो हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा कीचड़ गिर गया, पूरा गिर गया, तो कीचड़ तो गिर गया, न्यूज चैनल होने चाहिए, पर्टिकुलरली नेशनल न्यूज चैनल तो कम से कम होने चाहिए या कुछ कुछ हद तक कुछ बंद होनी चाहिए, या जिसने गलत इल्जाम लगाया है केबल ऑपरेटर को एबीपी ने वो तो कम से कम बंद होना चाहिए सर। तो हम मानेंगे कि आप हमारे साथ हैं क्योंकि इनको करोड़ों रुपए का रेवेन्यू कमा के देने वाले हम हैं। एक मेरे ख्याल से 30 सेकंड की न्यूज आती है और उसके बाद कम से कम 3 मिनट की 4 मिनट की उनकी एडवर्टाइजमेंट आती है, हम उसको बर्दाश्त करते हैं, हमारे कस्टमर बर्दाश्त करते हैं, और ये जोरदार मांगे क्योंकि हमारे ऊपर ब्लेम आता है, हमारे कस्टमर पूछते हैं हमको भैया ऐसे कोई न्यूज नहीं, आप बोलते 4.5 करोड़ घर बंद है, ऐसा कोई न्यूज चैनल पे न्यूज ही नहीं आ रहा है। और मीडिया इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट जिसको हमने प्रमोट किया है, केबल ऑपरेटर ने प्रमोट किया है, न्यूज चैनल को हमने बड़ा बनाया, हमने उनको लाखों करोड़ हमारे लिए क्या कर रहे हो? और ऐसे वक्त में हम ये चाहते हैं कि हम अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने केबल के व्यवसाय को बचाने के लिए या केबल ऑपरेटर की इमेज बचाने के लिए ये कदम उठाना चाहिए। अजय भाई अभी आज के तारीख में क्योंकि हम लोग कोर्ट में है ना, तो अगर हम लोग कोई भी गलत कदम उठाते हैं जो इलीगल है, अगर सपोज अगर हमको एक पर्टिकुलर एक न्यूज चैनल को बंद करना है तो हम लोग के पास कुछ एक रीजन होना चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए कि चैनल को बंद करने के लिए। हम जब कोर्ट में हैं तो हमको एक भी ऐसा इश्यू नहीं चाहिए जहां पे कोर्ट विल गेट इन्फ्लुएंस और वेयर कोर्ट्स विल गेट प्रेजुडिस्ड कि भाई ये लोग गलत करके आए हैं करके, क्योंकि अगर जैसे किसी को तुम बंद करोगे आज वहां पे ट्राई के लॉयर्स के साथ ब्रॉडकास्टर, एक एक ब्रॉडकास्टर के दो दो तीन तीन लॉयर्स खड़े हैं वहां पे, उसके साथ फिर एक न्यूज वाले भी आके खड़े हो जाएंगे और वो भी अगर चिल्लाएंगे कि भाई हमको भी ये लोग ने सबने मिलजुल के बंद कर दिया है तो कोर्ट विल गेट प्रेजुडिस्ड, कोर्ट बोलेगा कि भाई तुम लोग गलत काम किए हैं कि भाई तुम इनको एक्टिवेट करो या अगर कुछ पेनाल्टी मार देगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वी डिडंट वांटेड टू डू एनीथिंग राइट नाउ। अगर कोई न्यूज चैनल ने अगर गलत बात की है, मेरे को एक्चुअली खबर नहीं है, जानकारी नहीं है, बट अगर कुछ ऐसा है तो वी कैन ऑलवेज स्पीक टू देम, उनका उनका टीम को बुला के बात डेफिनेटली करेंगे। अगर ऐसा है तो आप बताइएगा, हम वी विल स्पीक टू दैट टीम सेपरेटली 1-to-1। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं उनको आप उनको कम से कम बुला के या उनको मैसेज डाल के तो बताइए। डेफिनेटली कौन सा क्या है राजू भाई, क्या मेरे को थोड़ा प्रूफ कुछ अगर वीडियो क्लिप है तो भेज देना राजू भाई, मैं एबीपी न्यूज़ को प्रूफ दे देता हूं। और कम से एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सर, उनको बताइए कि भाई इतनी बड़ी न्यूज़ है, देश के सवाल है, जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसका वायलेशन हो रहा है,
आप ये न्यूज नहीं बता रहे, गलत कर रहे हो, कम से कम उनको एहसास तो करा के दीजिए मल्टी सिस्टम अपडेट। नहीं नहीं पक्का बात कर, पक्का बात करेंगे, पक्का बात करेंगे उनसे। प्रिंट मीडिया इसको न्यूज के तौर पे पब्लिश करना है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा नहीं रहा, तो ये तो एक तरीके से न्यूज को दबाना वाली बात है ना। कम से कम आप लोगों को ये बात तो चैनल वालों को करनी चाहिए कि कम से कम न्यूज है तो उसको तो आना चाहिए। और जबकि प्रिंट मीडिया का हमारे से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे द्वारा कुछ नहीं कमाता, जो हमारे द्वारा कुछ नहीं काम करता, इसके लिए हम काम करते हैं, वो हमारे लिए इतनी आवाज भी नहीं उठा सकता, तो लानत है हमको उनके साथ काम करने में भी। एक बात रोशन चाहूंगा कि बीइंग मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, द डिजिटल केबल एसोसिएशन एंड द एमएसओ एसोसिएशन, ये जो न्यूज चैनल की बात आई है ये थोड़ा सा सेंसिबल इसलिए है कि बाकी सारी बातें अगर हम सेटिसफाइड कर दें कि हम उनके कैरियर हैं और हमने उनके बिजनेस में पास्ट में मदद करी है, बट स्टिल वी आर अ बिजनेस, हम एक बिजनेस हैं। 4.5 करोड़ कनेक्शन का मतलब अगर हम मोटा मोटा पकड़ लें तो वी आर अफेक्टिंग 15% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। अगर हम 5 से भी मल्टीप्लाई करें तो वी रीच अबाउट 20 CR. So we are somehow and the magnitude of the money that is involved in this business, jo is samay stake par hai, that is some kind of money. So us lihaz se bhi news channels ko request ki ja sakti hai ki they should take interest into this. Unko apna rujhan dikhana chahiye, jaisa kisi ne kaha, bhi Dubey ji ne kaha ki print is taking interest ki ye aisa kyun ho raha hai, but why not these people are taking interest? I suppose na sir ki somehow their feeling towards our being in the business is not very good, not very supportive, not in a very good taste. That has to be addressed by the association. So huge people, titans are fighting this case out and they are not taking interest. However, wo koi bhi broadcaster, wo broadcaster nahi hai jo aaj ki tarikh mein blackout. Wo sab independent news channels hain aur unka apna alag alag business interest hai. तो उनको डेफिनेटली इसमें देखना चाहिए कि एक व्यापार है, एक बिजनेस है जो प्रॉब्लम में है आज की तारीख में, वहां पर कुछ गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है विच इज वेरी यू नो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। एक बड़ा पिक्चर क्रिएट हो गया, 4.5 CR कनेक्शंस गोइंग डाउन इन द कंट्री, आई थिंक इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दैट हैज टू बी एड्रेस्ड बाय योर फोरम, आई वुड रिक्वेस्ट दैट। कम से कम इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप न्यूज चैनल को एहसास करा के देंगे। वो करेंगे, वो करेंगे राजू, कल ही बात कर लूंगा। अगर मैं दिल्ली में अगर नहीं जा रहा हूँ तो कल बात कर लूंगा। हाँ, मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया हमको, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हम 100% आपसे 100% आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ हद तक आपने अच्छी तरह से जवाब दिया है, कुछ केबल ऑपरेटर ने भी सुना है। जब से डैश लागू हुआ है हमारा ये मानना है कि हमने अभी हमारे बिजनेस की, केबल ऑपरेटर के बिजनेस की 100% ट्रांसपेरेंसी लाई है बिजनेस में। हमारे सारे सेटअप बॉक्स के हम पैसे भरते हैं, हमारे घरों के भी भरते हैं, उल्टा जो लोकल प्रतिनिधि है जैसे MLAs है या MPs है उनको फ्री में देते हैं, उसका बोझा भी हम सेंड करते हैं, उसका बोझा हम मल्टी सिस्टम ऑपरेटर पर डालते नहीं है। जबकि 2% की 2% ऑफ द टोटल उनका जो भी एक्सओ का जो है 2%, अगर 100 कनेक्शन है तो 2 कनेक्शन उसको फ्री मिलने चाहिए, ऐसी कोई प्रोविजन है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे जाके जब हम MSO के साथ सहे दिल से हाथ मिला रहे हैं तो MSO की तरफ से भी ये बिजनेस में क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्टर के साथ क्या हो रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी भी हमें मिलनी चाहिए। ये हमारी एक मांग है या हमारी एक बहुत दबावपूर्ण मांग बोलो या जो भी आग्रह मांग लो, क्योंकि ये बिजनेस के हम स्टेक होल्डर है। अगर केबल ऑपरेटर को ये बिजनेस से निकाला जाएगा तो ये बिजनेस में कुछ अर्थ नहीं होगा, उल्टा ये बिजनेस को केबल ये नाम देने वाला हमारा केबल ऑपरेटर है। बहुत जोर की मांग है केबल ऑपरेटर की कि आज के बाद जैसे हम आज आपके साथ जुड़े हैं, कल और कोई MSO आ जाएंगे उनसे भी ये बात करेंगे कि आपकी जो समस्या आती है ब्रॉडकास्टर के साथ वो ट्रांसपेरेंटली हमारे साथ आनी चाहिए। जैसे हम आपको 100% ट्रांसपेरेंसी देते हैं, सारे सेटअप बॉक्स का पैसा देते हैं, वैसे आपका आगे क्या व्यवहार चलता है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ, क्या नहीं चलता है, कौन सी समस्या है क्या नहीं, ये हमको अगर समस्या 100% ट्रांसपेरेंसी, 100% नहीं बोलता हूँ लेकिन 80-70% भी ट्रांसफर हो गया तो हमारे जो रिश्ते हैं और मजबूत हो जाएंगे।
मेरे ख्याल से योगेश जी 1 घंटा 19-20 मिनट हो चुके हैं। हाँ, अब रोज साहब को भी आराम देने की जरूरत है और रोज साहब को 1 घंटा 20 मिनट होने जाते हैं। कल हेरी है, कल 10 बजे से वापस उनको काम पे लगना है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा रोज जी आपका, थैंक यू सो मच। और हमको बहुत शुक्रिया रोज जी, कुछ सही बातें भी लाई जो सच्ची बातें जी वो सामने की। और उम्मीद करूंगा कि बाकी के मल्टी सिस्टम ऑपरेटर चाहे वो हितवे है, जीटीपीएल है, डेन है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आप आइए, जैसे आपने देखा कि आज की जो हमारी बातें हुई बहुत सेंसिबल हुई, उसमें किसी के ऊपर दोषारोप हमने नहीं किए, किसी को क्लेम नहीं किया, किसी को जिम्मेदार नहीं पकड़ा। हम ऐसे ही बात करते हैं भारत केबल उद्योग संघ, हम धंधा बढ़ाने की बात करते हैं, व्यवसाय बढ़ाने की बात करते हैं, जो भी स्टेक होल्डर है उनके साथ हम अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं आगे के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो कल कोशिश करेंगे, आज ब्रॉडकास्ट से निकल गए हम लोग। हाँ जी, नहीं अभी लाइव चालू है, अभी भी लाइव चालू है, तो कल कल के लिए कुछ अपडेट होगा? नहीं अभी हम ऑनलाइन है, ऑन एयर है क्या ऑफ एयर है? ऑन एयर है, ऑफ एयर कर दो ना, अभी खत्म हो गया मीटिंग, तो फिर हम बात करेंगे थोड़ी देर। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे, कल के लिए फिर मिलेंगे, ऑफ एयर हो जाओ पहले जी, कल के लिए फिर मिलेंगे 9 बजे हम लोग फिर मिलेंगे पूरा अपडेट लेके, एक नई 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 सोच लेके, नई अपडेट लेके।